देखिए, मैं तो कितने सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ कि एक किताब लिख लूँ। उन्होंने दो किताबें लिख ली और वो भी इतनी फटाफट और जल्दी। इस जो उनकी पहली किताब थी वो बिल्कुल दिल से निकली हुई, उनकी माँ के साथ जो उनका रिश्ता है। मेरा रिश्ता अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा था, तो मैं उससे आइडेंटिफाई करती थी। और जैसे कि उन्होंने अपने फॉरवर्ड में कहा है, उनको सोचना भी नहीं पड़ा, बस सब कुछ उनके जहन से निकल गया। ये किताब जो है इसलिए मायने रखती है क्योंकि इसका टाइटल ही है द स्टार्स इन माई स्काई। तो ये कितना जेनरस टाइटल है, ये अक्नॉलेज कर रही है उन सब लोगों को, उन सब हस्तियों का जिनके ऊपर, इनके ऊपर जिनका कोई ना कोई प्रभाव पड़ा है। मुझे लगता है ये एक्टर्स में खसूसियत होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे वाक़यात इनको जो याद हैं और दिव्या ने जो लिखे हैं, ये हमको ग्लिम्स देते हैं ना सिर्फ उस इंसान की जिसकी ये बात कर रही हैं, लेकिन इनकी खुद वनरेबिलिटी की भी। और ये बहुत ख़ास बात होती है। मुझे यकीन है कि ये किताब बहुत कामयाब होगी क्योंकि बिल्कुल दिल से लिखी गई है। इसमें किसी तरह की कोई बनावट नहीं है, कोई लफ्ज़ों का खेल नहीं है। ठीक जैसे दिल से आती है वैसे वो किताब पर पहुंच जाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, वो फिल्म ही मैंने दिव्या की वजह से की, क्योंकि दिव्या ने उसका जिक्र मेरे से किया था। और उस ज़माने में मैं लंदन में शूटिंग कर रही थी, तो बहुत दिन तक मैं पढ़ नहीं सकी। और फिर फराज़ अहसन जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा शायद आपके पास वक्त नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं दिव्या ने मुझे कहा है, मुझे पढ़ना तो ज़रूर है। फिर जब मैंने पढ़ा तो मैंने उनको फ़ौरन फ़ोन कर लिया, और बस शूटिंग को शुरू होने में बहुत ही कम वक्त था। तो मैंने कहा कुछ कुछ भी हो जाए मैं इसको करूँगी ज़रूर। और ये न सिर्फ दिव्या के साथ लेकिन स्वरा के साथ, दोनों के साथ मेरा रिश्ता इतना गहरा और इतना खूबसूरत है कि वो जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको वो लगता है कहीं सच्चाई डिस्प्ले हो रही है। मेरी बहुत सारी हैं। अभी शेखर कपूर की एक फिल्म है, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, विद एमा थॉम्पसन एंड लिली जेम्स, दैट शुड बी माई नेक्स्ट रिलीज़। फिर स्टीवन स्पीलबर्ग की हेलो है, और अभी मैं करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम कर रही हूँ। यू आर वेलकम। द स्टार्स ऑफ माय लाइफ जिसके एक हिस्सेदार आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा काम किया लाइफ में, इतना सारा काम किया, और उस सब में जो जो लोग उनके साथ जुड़े उनको भी थोड़ा उनको श्रेय देना वो बहुत बड़ी बात है। वो बताता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है। और मैं तो उनको एक एक्टर से पहले एक बहुत ही प्यारा इंसान मानता हूँ। पहले वो बहुत ही एक प्यारी इंसान है, और उसके बाद एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, जो शायद किसी भी पार्ट में, मैंने इनकी जितनी फिल्में देखी हैं, और मेरे साथ तो 3 फिल्में हो चुकी हैं, उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की। वो हमेशा किरदार बन जाती हैं और उसकी एक्टिंग नहीं करती। तो आज बहुत खुशी हो रही है, और उन्होंने हम सबको इतना प्यार दिया है, तो प्यार का तो असूल है, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। वो तो मैं उनकी टांग खींच रहा हूँ। नहीं, वो उसमें कोई भी आर्टिस्ट हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सुन ले सबकी, बट करे अपने मन की। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, अभी तूफान ख़त्म हुई है तो लिखने में मेरे को 1-2 साल जाएगा, उसके बाद ही अनाउंस करूँगा। नो, 3-4 सब्जेक्ट हैं, कोई भी बन जाए। जी, आपका सब लोग फैन है, आपका सब लोग फैन है, फोटो निकाला था।
और अब फिर बंधा हुआ ना तो फिर आवाज़ कम आ रही है। मैं फिलहाल उसको अपना जो मेरे बारे में लिखा है मैं वही पढ़ाऊँगा, अभी जाके पूरे चैप्टर पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इतना अच्छा लिखा है तो बाकी तो बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनके बारे में लिखा है। तो मेरा ख्याल है ये किताब अपने आप में एक नगीना है, सो ये नगीना हमेशा सदा चमकता रहे और जो स्टार्स उन्हें अपने अपने आकाश के बताए हैं मेरे सकाई स्काई के जो स्टार्स हैं वो भी चमकते रहे। सर आपने बुक पढ़ी, आपको कौन सा ऐसा हिस्सा अपने बारे में? मैं मेरे बारे में जो मैं अभी तक मैं सिर्फ वही पढ़ी क्योंकि कुछ दिन पहले ही आई है मेरे पास। कुछ चीज़ें खुद को नहीं पता होते क्योंकि कि आप क्या कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं आपके जो, तो फिर वो जो दिव्या ने बोला था वहाँ पे कि आप सभी लोगों को, मैंने तो उनको बोल दिया था कि आप चले जाइए, मैं बाद में मिलूँगी जब मैं पूरा ये याद कर लूँगी, तो मैं तो उनके साथ लगा हुआ था क्योंकि मेरे फैंस क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि मैं सिंगिंग में था तो लोग बहुत ज़्यादा थे तो उनको मैं मोड़ नहीं सकता, तो वो चीज़ें बताई कि आप कितना उनको इज्जत देते हैं, कितना सत्कार देते हैं, कितना प्यार देते हैं, ये आदमी के लिए इनकरेजमेंट होती है, कोई दूसरा बोले तो बहुत अच्छा लगता है। दिव्या काफी नई थी इंडस्ट्री में जब, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया सी, तो उनकी वो तस्वीर आपको याद आई जब आपने वो पढ़ा तब वो कितनी छोटी सी थी और किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे, मतलब एक तस्वीर में उनकी मदर की जो बुक है रिलीज हो रही है, मेरे गले में वो धागा पहना हुआ है और वो भी साथ में छोटी सी खड़ी हुई है, तो मेरी उम्र भी थोड़ी क्योंकि नेचुरली उस वक्त ठीक ठाक होगी। मुझे क्योंकि दिव्या हमेशा लिखती रहती या न्यूज़पेपर में मैगजीन में हमेशा लिखती रहती है, वो अपने आप को खाली बैठने नहीं देती है, ये सबसे बड़ी बात है जो आज जावेद अख्तर साहब जी ने बताई है जो बात कि अपनी आप की ज़िंदगी में कोई प्लेटो स्टेज आने नहीं दिया कि कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, जब ज़िंदगी बनी है तो उसको जीना चाहिए, जो प्रेजेंट में नहीं जी पाते तो फोर फोर ना भविष्य में जी सकते हैं ना पास्ट में जी सकते, वो बीच में लटके रहते, बहुत बड़ी बात थी उनकी। सो हमने ये चीज़ें आज जो सीखी हैं सबसे बड़ी बात कि आदमी को कुछ ना कुछ करने चाहिए, जो आपको जो तौफीक बख्शी है जैसे मेरे को गाना बख्शा है तो मैंने सोचा कि यार बहुत गा लिया, ये नहीं, आपके प्यार करने वाले इंतज़ार करते हैं कि आपकी कब बोल निकलेंगे, कब कोई गीत आएगा, कब कोई आवाज़ आएगी, तो उनके लिए उनकी जो तकड़ी है जो उसमें खड़े उतरने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। यही कहना, मैंने पढ़ी नहीं अभी पढ़ूंगा, लेकिन ये कि इट्स वेरी काइंड ऑफ कि मुझे उसने इसमें शामिल किया और मुझे बहुत पसंद है लड़की, इसकी एक्टिंग भी बहुत पसंद है और ये इसका बड़ा रेंज है, ये एक बड़ा शोखी भरा चुलबुला और ऐसा मस्त रोल भी कर सकती है, सीरियस रोल भी कर सकती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी उसकी, उसमें इसने एक थोड़ा सा वैम्पिश रोल किया है और बहुत ही एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग और ड्राई औरत का, वो भी उतना ही कन्विंसिंग, शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर। मैं तो जब भी काम देखता हूँ उसका हर बार इम्प्रेस होता हूँ और हर बार मैं फ़ोन करके मुबारकबाद देता हूँ उसे, आई कंसिडर अ वेरी वेरी गुड एक्टर, और उतनी ही वो दिलचस्प इंसान भी है, बड़ी मोहब्बत की, बहुत हस्ती मुस्कुराती हुई और सोचने वाली, शी इज़ अ थिंकर। ये जो लिखी है ये उसकी दूसरी किताब है, तो वो तो किताब तो वही लिखेगा ना जो जो कुछ उसने किया है, जो कुछ देखा है समझा है जाना है उसके बारे में सोचा भी है, तो वही लोग लिखते हैं बुक्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग कभी कभी लिखते हैं फाइनेंशियल रीज़न से, लोग कभी लिखते हैं कि भाई हमारा भी दुनिया में कुछ नाम हो जाए, शोहरत मिल जाए हमको, लोग रिकग्नाइज करें, उसका ये रीज़न नहीं हो सकता, वो तमाम चीज़ें पैसा शोहरत नाम इज्जत वो तो सब उसके पास है, तो आप क्यों लिख रही है? इसलिए लिख रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्रिएटिव काम करते रहना चाहती है और इस बात की, इस डिज़ायर की हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब दिव्य जी ने आपसे इस किताब के बारे में डिस्कस किया? नहीं, मुझे डिस्कस कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं किताब लिख रही हूँ, एक चैप्टर आपका भी है, तो मैं मुझे हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि भाई मुझे इस काबिल समझा उसने, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। सब हर पल यादगार है, इसलिए कि जब भी मिलती है तो हमेशा एक ओजिंग लाइफ और एक पॉजिटिविटी और एक खुश और मुस्कुराती हुई लड़की है, तो उससे तो जब भी मिलिए हर पल अच्छा ही गुजरता है। अच्छा सर, आप जैसे बताए कि दिव्या का हर किरदार आपको पसंद है, उनको कॉल करके बताते हो, तो अभी तक कौन सा पिक्चर में किरदार आपको ज्यादा पसंद आया? जावेद, कम ऑन नाउ। हाँ नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि एक किरदार नहीं, मुझे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर करती है तो अच्छी लगती है, ये बड़ी बात है, चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामेटिक हो, ट्रैजिक हो, एग्रेसिव हो, हर काम अच्छा करती है। दिव्या मेरी मतलब मेरे साथ फिल्म में काम किए, शी इज माय कलीग एंड धीरे धीरे शी इज आल्सो बिकम अ क्लोज फ्रेंड इन दैट सेंस, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड कम फॉर दिस फंक्शन एंड इट्स मतलब अभी तक तो सब ऑनलाइन हो रहा था, तो पहली बार इतने लोग आए और बहुत अच्छा, आई लव द वे एवरीबडी स्पोक अबाउट दिव्या, बट शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू नो शी इज वेरी ऑल हार्ट काइंड ऑफ थिंग। वो किताब भी ऐसा ही है, बहुत ही इमोशनल किताब है, उसमें हंसी भी आएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर यू फील लिटल ऐसा यू नो एक लंप इन द थ्रोट। मैंने आधी पढ़ी, मतलब हर मतलब अबाउट 7-8 स्टोरीज एनकाउंटर स्टिल टू बी रेड। नहीं, हम लोग शूट कर रहे थे नासिक जेल में, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आई मीन लोकेशन फॉर अस टू बिकम all we are shooting inside the jail with real prisoners all around behind us and all that, so it was a very I had a great time. Main pehli baar unke sath kaam kar raha hu, but I know she is a very good actress and ek mauka dhoond raha tha, luckily Badlapur mein mujhe ek chance mila hai sir, to abhi aage bhi karenge kuch, but whenever I am writing a film I narrate to her, see if there's something she likes, then I'll ask her to do it. Well sir, lockdown jo hai wo 2 saal ka tha, film industry par kaafi zyada effect kiya, aap kya kehna chahenge personal life mein aapki kitna zyada effect? नहीं, सबका वही हुआ कि मतलब शुरू में लगता था कि थोड़ा 2-3 महीना थोड़ा रिचार्ज करेंगे, लेकिन जब इतना टाइम लगता है तो नेचुरली इट अफेक्ट्स एवरीथिंग, बट ठीक है, वी हैव टू गेट यूज टू इट। अभी थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है, आई वेरी हैप्पी दैट द बॉक्स ऑफिस इज बैक विद अ बैंग, सो दैट इज़ द बेस्ट न्यूज़ एक्चुअली द लास्ट 10 डेज दिवाली का। आई एम वर्किंग ऑन थिंग्स बट इट्स नॉट येट, अभी टाइम है मेरा, जब आने के टाइम तब तक इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। या नहीं, हिंट मतलब एक बॉर्ड फिल्म है 21 और दूसरी एक मेरी क्रिसमस एक छोटी फिल्म है, दोनों का प्लेट चल रहा है और एक के बाद एक शुरू करेंगे। थैंक यू। ये तो मेरी फ्रेंड है जी, ये कोई मतलब गैर नहीं है मेरे लिए, तो आई हैव नोन अबाउट द बुक फ्रॉम द बिगिनिंग, शी शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द बुक विद मी, सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ द बुक एंड having the honor of chapter in my name, but as I said, she's family. Well, Rajit sir, jaise ki aapne kaha, you are the chapter of the book. Padha aapne? Yes, jo mera chapter hai, maine padha hai, usne mujhe sunaya tha. Just, I said, you don't have to, just go with whatever you feel and write whatever you want, it doesn't matter. And obviously, jo cheeze aap logon ke saath mein hui hai, she might be little Yes. So I would like to really know from you, जब चीजें डिस्कस हुई या तुम लोगों ने जब पढ़ के बताया, what was the thing which you went back and? It's just the moments that you've shared, you know. Right. They may sound like small moments, but they mean a lot. Right. And that's what's important in the entire book. Right. You know, little anecdotes, little moments, time spent. With people which you cherish, which becomes part of your DNA, your memory. Was it a roller coaster for you, which made you happy, emotional? It's all there. I haven't read the full book, but I will do so, and I'm sure it's there. Okay, besides that, your projects, what would you like to share with us? Any upcoming projects? There are many. I'm working on 3. I've completed 7. The last 1 year has been actually a roller coaster ride, and I think by January
these projects will start being released or streamed, fingers crossed. Yeah. So which would be the first project you will be starting with? I'm working on many. I think film Attack will be released in January. The web series Rocket Boys will be out in January. The Cheat should be out soon. There's Leela Manju, which is another film. There's a film called Goldfish. और कुछ और भी हैं बनने दो आने दो not as far as any of the others. Okay, so as you said that, you know, last 1 year has been a roller coaster. Asking you personally, how much did this affected you and your personal life? I put more speed breakers in my life. I have been working back to back, but I make sure that I get enough rest. I think that's very important, and that I also spend time with people who mean a lot to me. Thank you so much. It's been a crazy roller coaster ride because मैंने जब पहली किताब लिखी थी अपने मम्मी पेमी एंड माँ तो वो एकदम आई थिंक मेरे लिए कथारसिस था जो कहना चाहती थी सब निकला और फिर सब ने बोला कि अब दूसरी किताब कौन सी है सो आई वाज वंडरिंग कि व्हाट एम आई सो पैशनेट अबाउट एंड द ओनली वन थिंग आई कुड थिंक वाज मूवीज़ एंड मुझे लगा कि ये मूवीज़ की जर्नी जो है मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ उसको सोच के तो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल एंड आई थॉट इट्स द पीपल जो लोग उसमें हैं जो लोगों ने मेरी इतना व्हाट यू से कुछ लोग बहुत कॉन्शियसली आपकी मदद करते हैं कुछ अपने जैसे वो हैं उसी की वजह से शायद आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा एनरिच कर देते हैं सो आई थिंक दिस बुक इज़ अबाउट दैम एक एक चैप्टर हर सेलेब को डेडिकेट किया है और ये जब मैंने किताब शुरू की तो लॉकडाउन का वक्त था और मुझे लगा बहुत टाइम है फट से लिख लूँगी लेकिन लॉकडाउन में मुझे लगता दिमाग भी लॉक हो गया था तो मन ही नहीं करता था कुछ लिखने को तो थोड़ा लिखती थी और फिर बंद हो जाता था और जब शूटिंग शुरू हुई उसमें मैंने फटाफट लिखना शुरू किया एंड एक एक करके हर सेलेब की एक एक लाइफ की कहानी एनेक्डोट्स और सबसे मज़ा ये आया कि जब उनके रिएक्शंस मिले मुझे क्योंकि हर एक का चैप्टर मैंने उनके साथ शेयर किया था सो इट वॉज़ ग्रेट कि आपका आप जो उन्हें इतना प्यार करते हैं वो बहुत म्यूचुअल है एंड दे रेसिप्रोकेटेड दिव्य जी अगर आपके अगर बात करें तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी मतलब काफ़ी समय से आप काम कर रही हैं आपके जिस तरीके से आपके जो रिश्ते हैं एक्टर्स के साथ में जिस तरीके से आज हमने सुना अगर आपकी अगर बात करें तो किताब लिखते समय आप कितना मतलब इमोशनल हो गई और कितनी इमोशनल किताब की रही आपकी जर्नी कितनी इमोशनल रही ऑफकोर्स ये दोस्तियाँ मुझे लगता है ज़िंदगी भर की हैं और उनके बारे में आप लिखते हैं या उन्हें याद करते हैं तो इमोशनल तो होते हैं एंड आई एम ग्लैड कि बहुत वो लोग भी इमोशनल हुए सो आई फील वेरी गुड अबाउट इट कोई एक ऐसा चैप्टर लिखते वक्त जो आप ज़्यादा भावुक हुए इरफान का चैप्टर ऋषि जी का चैप्टर आई थिंक कोई याद अगर कोई बताना चाहेंगे आई थिंक दे बीन लवली पीपल रियली मिस देम इन द इंडस्ट्री बिकॉज उनसे इंडस्ट्री बहुत बहुत खास थी और बड़े अच्छे तरह से जानती थी दोनों को और मेरे बहुत प्यारे अजीज़ को एक्टर्स रहे हैं और ऋषि जी को तो हम बचपन से देखते आए हैं और मेरे फेवरेट हुआ करते थे हैं अभी भी एंड सो यस व्हेन यू रिकलेक्ट एंड रेमिनाइज एवरीथिंग यू जस्ट गेट इमोशनल जैसे किताब तो हमने लिखी है तो सारे चैप्टर आपके फेवरेट होंगे अगर मैं एक चैप्टर अगर आपसे बात नहीं होगा सब ये पूछ रहे हैं ऐसा नहीं होता है सारे चैप्टर फेवरेट हैं अमिताभ बच्चन सर ने लिखे हैं हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू कन्विंस हिम टू मेक हिम राइट दैट I think he surprises me with his generosity. Last time I had requested him to, launch my book, he was generous enough. Didn't even think once. He just said, let me know when and I'll be there. And this time I said, sir, I need this. And it was there. So it just feels so beautiful. And I think this is what you earn out of the industry. And I'm so glad and ever grateful to Mr. Bachchan. Well, आपने ऑल्दो कह दिया कि दिमाग लॉकडाउन में बंद हो गया था लेकिन शबाना जी ने कहा कि मैं एक किताब नहीं लिख पा रही हूँ और दिव्या ने दो वो उनका she's too sweet that way and she's always very protective of me but I'm sure वो जब लिखेंगी तो धमाका होगा एकदम से and she's gonna write amazingly well but she's my inspiration absolutely right. in every which way and also congratulate करना चाहूँगी शेर कुर्मा के लिए Thank the movie has been getting lot of appreciation आपको भी as an actor award से नवाजा गया है क्या कहना चाहेंगी फिल्म के लिए and क्या कहना चाहेंगे
वेल इट फील्स ग्रेट जब आपको अवार्ड मिलता है. मैं मुझे लगता है कि ये एक रिजुविनेशन होता है एक्टर के लिए कि आपको एक्नॉलेज करें आपके काम के लिए. और ये फिल्म बहुत खास है और बाहर ऑडियंस के साथ देखना, इतने दो सालों के बाद एक फिल्म ऑडियंस के साथ देखना और उन्हें रोते पाना, और इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग. एंड देन टू गेट द बेस्ट एक्टर अवार्ड, आई थिंक अच्छा है. दिस इज़ नाइस. इतने वक्त के बाद अब फिर से अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती है. सो इट्स गुड. Lots of them. There are two web shows. There are three films. One is with Divakar Banerjee. One is Dhakar. One is a film with Umesh Shukla. And there are two international films and three shorts. Yeah. And lastly, Shabana ma'am, जब stage पे थी तो उन्होंने बताया कि जैसे आपका book का title है The Stars in My Sky, तो कुछ stars वहाँ पे थे और कुछ जो किताब में वो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी अब क्या हुआ है कि काम बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है एंड एवरी वन इज आइदर आउट. लाइक सोनू, सोनाली वॉजंट, मेरे बहुत खास लोग हैं ये, लेकिन आई मिस्ड देम. आई मिस्ड ईच वन ऑफ देम, बट आई थिंक दीज पीपल मेड इट सो वेरी स्पेशल. थैंक यू.